वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मेरा पुल डे है, पुल डे में मैं अपने बैक और बाइसेप को ट्रेन करता हूँ। तो आज मैं आपको 5 वेरिएशन बताऊँगा बैक की और 3 वेरिएशन बताऊँगा मैं बाइसेप की। तो गाइस मैं भी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करूँगा, इससे पहले मैं वार्म अप करता हूँ। और जिस किसी ने कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की वीडियो नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की सही टेक्निक सीख लेना। तो पहले हम वार्म अप करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है लैट पुल डाउन। इसके मैं 3 सेट मारूंगा और रेपिटेशन होगी 10 से 12। तो हम इसकी वाइड ग्रिप पकड़ के करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारी दूसरी एक्सरसाइज है बेंड ओवर रो। तो इसको नॉर्मल वाइड ग्रिप में पकड़ना है और ऐसे उठा के हल्का सा अपने नीज को सॉफ्ट बेंड करना है। ज़्यादा नीचे झुकना नहीं है, 45 डिग्री लेके फिर इसको ऊपर पुश करना है ऐसे। In my dreams, I got it locked, the master keeping on me. Back in the field, running audibles with the team. Everything I got off the mud and told my truth. I shake that fake shit, they praise you, they minimize you. Behind you, just know I notice you. Stay woke, no joke, it really be the ones you're closest to. So guys, हम इसके भी rap 10 से 12 मारेंगे और number of set होंगे 3। तो चलिए देखते हैं। Talking and write the harmonies, I'm really convinced there's nobody out here going hard as me. Which where the dog they claim beneath me. So guys, my third exercise is high pulley row. तो इसके भी हम 3 सेट मारेंगे और रेपिटेशन वही 10 से 12 होगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैंड होना है, नीस को हल्का सा बैंड करके आपका हाथ आगे आएगा ऐसे। हमारी 4th एक्सरसाइज है मिड रो। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम पीछे जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे अपनी। तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना ना बहुत ज़्यादा आगे जाना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। It might not be your trending topic. Put my worth in analytics. I admit that took a toll. I got addicted to scrolling. We know where that get toxic. I got caught comparing me to people I don't even. इसके भी सिर्फ 3 सेट मारेंगे और रेपिटेशन वही होगी 10 से 12। तो चलिए, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बैक की, 5वीं, और इसका नाम है एक्सरसाइज का चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो। तो इसके भी हम 10 से 12 रैप मारेंगे और नंबर ऑफ सेट होंगे 3। इसके बाद मैं आपको बाइसेप के 3 एक्सरसाइज करके बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो गाइस वेट वही ले जिससे आप 12 से 10 रेपिटेशन निकाल पाए, हैवी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Thank you.
थी हमारी बैक की एक्सरसाइज लास्ट। अब हम बाइसेप की 3 एक्सरसाइज मारेंगे। तो जब भी हम बैक मारते तो हमारा बाइसेप इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए हम बाइसेप की 3 एक्सरसाइज मारेंगे। तो मैं पहली एक्सरसाइज मारूंगा डंबल कर्ल, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी ये दूसरी एक्सरसाइज है बाइसेप केबल कर्ल, इसके भी हम 10 से 12 रेपिटेशन मारेंगे और नंबर ऑफ सेट होंगे 3। तो चलिए ये लास्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल 3rd, तो इसके भी हम 12 से 15 रैप मारेंगे और हमारी नंबर ऑफ सेट होंगे 3। तो ये मेरी लास्ट और आखिरी एक्सरसाइज थी, ये हमारी ट्रैप के लिए होती है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।